NA-135 के इलाके ठोकर न्याज बेग पे अभी मैं मौजूद हूँ। न्याज बेग बाजार है मेरी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो जो ये ऑरेंज लाइन ट्रेन यहाँ पे बनाई थी तो अभी काम कंप्लीट खैर नहीं हुआ, मज़ीद वक्त दरकार है इसको कंप्लीट होने में। लेकिन मेरी राइट साइड पे ऑरेंज लाइन ट्रेन ठोकर का इलाका है, NA-135 है। मालिक करामत अली ठोकर साहब कामयाब हुए हैं यहाँ पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे 64,000 से ज़ायद वोट हासिल किए उन्होंने, जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के कैंडिडेट थे मलिक सैफुल मुल्क ठोकर साहब, उनको वोट पड़े हैं 55,000, तो 9,000 वोटों के मार्जिन से वो हार गए हैं। इस इलाके के मसाइल भी हम जानेंगे, लोगों के तासरात भी हम जानेंगे कि वोट किसे कास्ट किया था, अब क्या उम्मीदें हैं। जीतने वाली पार्टी चुके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, गवर्नमेंट में है, तो ज़्यादा उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होंगी। लोगों से हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि वोट किसे कास्ट किया था और अब क्या तासरात हैं। सामने को भाई जान, क्या हाल है, हाथ मिलाएं, ठीक ठाक है? वोट दिया था? हाँ जी। शेर को? शेर यहाँ से क्यों आ रहा? बस उसके मुकद्दर थे, हार गया वो। अच्छा, हुकूमत बन गई तहरीक इंसाफ की, क्या कहेंगे? बस तरीके इंसाफ की हुकूमत अगर अच्छी चली तो फिर दोबारा इमरान खान को वोट देंगे, अगर ना ठीक रहा तो वोट ही दोबारा देंगे। कौन कौन से काम करने चाहिए इमरान खान को? इमरान खान को हमारे लाहौर की सड़कें अच्छी करें, गलियां अच्छी बनाए। ये देखो कुछ भी नहीं है अभी, ये देखो ये सड़कें। आपको बता रहा दोनों की वैसे मुस्लिम लीग की कारकर्दगी रोड तक ज़्यादा जानी पहचानी जाती है, लेकिन अभी जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ ये रोड भी बना नहीं हो। भाई बहुत शुक्रिया आपका, ताजा देखिए आओ जरा, की हाल है? ठीक हो? वोट पाया सी? हां जी। किनु? इमरान खान ने पाया। इमरान खान ने किसी को वोट पाया? वोट पाया, वो तब्दीली चाहिदी सी। केड़ी तब्दीली चाहिदी? वो जेड़ी आउणी सी, जेड़ी कोण? केड़ी तब्दीली आएगी हुण? वो आवेगी लाजमी, जेड़ी पहलो ते मुल्क लोट लोट के खाई जा रहा है। नहीं खाएगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं है। पक्की गल है? पक्की गल है। अगर अभी काम ना कीते ने चंगे, फिर ना कीते ते भी लगा जाएगा, जमे वो कहने भी चला जाएगा। इमरान खान साहब अच्छे काम करने हैं आपने, उम्मीदों में पूरा उतरना है, बुजुर्गों ने आपको वोट दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। क्या खरीद रहे हैं? ये जूते लेने हैं। वोट किसे दिया था? वोट? हाँ, पीटीआई को। क्यों? नई जनरेशन है, देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं, सबक बात दिखाएगा, पता चल जाएगा क्या करते हैं, काम करते हैं या नहीं करते। काम ना किए फिर बस उसके बाद इनको किसने पूछना है? अगर काम ना किए तो फिर कोई नहीं पूछेगा जनाब। नाजरीन, ठोकर न्याजरी का ये बाजार है और जूतों की यहाँ पे दुकानें हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोगों को शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या उम्मीदें हम बसते हैं। वोट किन पाया जी? पीटीआई ने। पीटीआई ने क्यों वोट पाया? तुम तब्दीली आएगी तक? कड़ी तब्दीली? मतलब जिस तरह के वो गल करते हैं, काम नहीं किए उन्हें, बड़े प्रोजेक्ट बनाए ने, इतने तो सड़क भी नहीं बनी थी। लाला नाजरीन, बड़ी अच्छी बात है, मैंने आपको दिखाई है मेट्रो यहाँ साथ ही है, लेकिन जिस रोड पर ये बाजार कायम है जहाँ पे दुकानें हैं वो रोड नहीं बनी हुई। खान साहब को उम्मीद है कि बना देंगे रोड है जी इंशाल्लाह। अच्छा, मलिक सैफुल मुल्क खोकर दोनों हार गए ने, बल्कि मलिक करामत साहब जीत गए ने, कोई मैसेज हो गया उन्होंने? मैसेज यही है कि जी एक उम्मीद हैगी थी उन्होंने भी कि मतलब तब्दीली आएगी सड़कों वगैरह, गली मोहल्ले, पहले गली मोहल्ले के काम भी नहीं होएगा जी। ठीक है, होने होंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब आप यहाँ से जीत गए, गली मोहल्ले के काम कराने आपने। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। इमरान खान वजीर आजम बन गया है, कुछ करेगा ना गरीबों वास्ते, कहंदा जी वे। चलो जी, खवातीन ने वोट दिया, आंटी कह रही है रोला पाया से इमरान खान साहब ने, देखो की करता हूं, देखो की करता है, हां देखो की करता हूं। नाजरीन, NA-135 में हम लोग मौजूद हैं, इस हलके का बड़ा मसला जो मुझे नजर आ रहा है, गंदगी और सफाई सुथराई और तालीम के बाद तजावुजात का मसला है। अभी भी यहाँ पर रिक्शे खड़े हैं, रोड का आधा हिस्सा इस तरफ रेडियो ने और इस तरफ भी रेडियो ने, और ये जो रिक्शे हैं मोटरसाइकिल रिक्शा, इन्होंने कवर किया हुआ है। लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो गवर्नमेंट है, करामत अली खोकर साहब जो हैं वो इस मसले पर भी तवज्जो देंगे और ये मसला भी हल कराएंगे। कुछ दुकानदार रात भी बैठे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। भाई क्या हाल है, खड़े हो जरा। वोट दिया था आपने? जी बिल्कुल। किसको? PMLN को। क्यों भाई? इन्होंने काम करवाए हैं। कौन से काम कराए हैं?
उन्होंने हॉस्पिटल में काम करवाए, सेहत में काम करवाए, रोड्स में काम करवाए। ये रोड हमारे लिए बने, उनके लिए थोड़ी ना बने। ये रोड जहाँ पे आप बैठे हैं नहीं बना अभी भाई, ये अभी बन जाएगा ना, अभी हुकूमत चेंज हुई है ना, अभी देखो वो क्या करते हैं। चलो मुझे बताओ, नई हुकूमत से उम्मीद है कोई अच्छी? नहीं, कोई उम्मीद अच्छी नहीं, बाकी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे कि वो आगे करें। हमें हमें पाकिस्तान से मतलब है। हमें ये बताओ कि आप दुकान में क्यों नहीं बैठे, बाहर क्यों बैठे हुए हो? दुकान में भाई हम नहीं ले सकते अभी दुकान के लिए। यार भी मुनासिब नहीं, जरा पीछे होके बैठो आप। आधी रोड पीछे होके, जब ये रोड बनेगा भाई वो खुद ही हमें उठा देंगे, हम पीछे हो जाएंगे। खुद नहीं उठना आपने? खुद उठ जाएंगे। यार खुद भी तब्दील हो ना भाई, कह रहे हैं जी रोड बनेगा तो हमें उठा देंगे आगे, हमने खुद नहीं उठना। बस क्या हाल है खान साहब, इधर आओ। किधर जाती है? दुकान पे जा रहा हूँ। दुकान पे जाती है जी। वोट किसको दिया था? इमरान खान को। इमरान खान जी को। अब क्या उम्मीद है इमरान खान से? इमरान खान इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है, रोड भी पक्का हो जाएगा, स्टेशन भी चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसका फायदा होगा? ये तो पहले वाली गवर्नमेंट ने बनाई है, अभी काम नहीं है इसमें, तभी काम है इंशाल्लाह, काम शुरू हो जाएगा। एक हफ्ता हो गए जो आए इंशाल्लाह ताला। चलो चलो, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? भैया ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, वोट दिया था आपको? हाँ दिया था। किसको? किसको दिया था? नून लीग को दिया था। अच्छा, नई हुकूमत बन गई है, उनसे अच्छी उम्मीद है कोई? उम्मीद तो है, अल्लाह का कामयाब करे। आमीन सुब आमीन। अगर काम करते हैं अच्छे, ये बिल्कुल फिर तो है। वैसे दूसरी साइड से हमारे ये फेवरेट थे जब ये कप्तान थे। सही। अच्छा हाँ। अच्छा जी, आप ये वोट दिया इन्होंने मुस्लिम लीग नमाज को, कह रही है क्रिकेट खेलते थे तो इमरान खान साहब हमारे फेवरेट थे। खान साहब, आप अगर आपने फेवरेट बनना है सियासत के मैदान में भी तो आपने काम करने हैं। इधर आओ लाला, इधर आओ। क्या हाल है? ठीक हो? काम सही चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। यार रेडी यहाँ पे क्यों लगाई है आपने रोड पे? तो मजदूरी करनी है, रोड पे लगाएंगे मजदूरी करने। चलिए मुझे बताएं, नई हुकूमत बन गई है। अच्छा। कोई मुतालबा करेंगे आप अपने काम के लिहाज से? नहीं, काम दे ले आए ना, काम है ही नहीं, सौदे महंगे है। ओए कोई मुतालबा है जो करोगे तो जगह दी जाए नहीं। कुछ करना ही नहीं है। फिर उम्मीद जरा ज्यादा होगी। नाजरीन, ये ठोकर का इलाका है और मेन ठोकर के वजह स्टॉप है, तो ये रोड नहीं बनी हुई जो बाजार को जाती है, तो उम्मीद है गवर्नमेंट जो है आने वाली ये रोड बनाएगी। भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी वोट दिया था जी। किसको? इमरान खान को। इमरान खान को, खान को वोट दिया? बिल्कुल। अब क्या उम्मीद है खान से? उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर बनाएगा। अगर बेहतर ना बनाया फिर? फिर इंशाल्लाह और किसी को चुनेंगे, क्या करें। अच्छा, हम उम्मीद से उनको लाए हुए। कौन से काम करने चाहिए? सब सबसे ज्यादा तालीम के हिसाब से हो, मुल्क को आगे ले जाने के हिसाब से हो। सबसे पीछे हम पड़े हुए हैं, उम्मीद है कि वो मुल्क को अभी आगे भी ले जाएगा। पाकिस्तान में जो क्रिकेट का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में लेके आए हैं। हमारे हम मायूस हैं इस वजह से, शायद हम क्रिकेट से भी लोग मायूस हैं, तो क्रिकेट में बड़ी बेहतरी चाहिए। और तालीम की इन्होंने बात की तो शफकत महमूद साहब वो जीते हैं और उनको वजीर तालीम बनाया गया, देखते क्या करते हैं शफकत महमूद साहब। क्या हाल है? वोट पाया जी? किनू बल्ले बल्ला जित गया जी। काम कराएगा इंशाल्लाह? उम्मीद ताडे हल्के का केड़ा काम होना है? काम तो जो वादे किए हैं वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह, काम सही करेंगे। जो रास्ते ख़राब हैं या अस्पताल स्कूल वगैरह सब ठीक करेंगे। अस्पताल स्कूल रस्तों सब की बात कर दी, फिर क्या गुफ्तगू हो रही है? गुफ्तगू कोई नहीं हो रही जनाब, अपनी ज़िंदगी के हालात देख रहे हैं कि साढ़े तक की तब्दीली आएगी, साढ़े नाल की करोगे। वोट किन पाया जी? हाँ जी, वोट किन पाया? वोट नवाज शरीफ ने पाया। नवाज शरीफ ने पाया जी वोट। हल्का किराया ही हल्का ताड़ा है हल्का। इधरों नवाज शरीफ साहब हार गए? हार गए। क्यों हारे? चलो मैं दसो, नवी हुकूमत तो कोई उम्मीद चंगी हैगी है? कोई नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई नहीं। अगर ताड़ी उम्मीदा दे पूरा उतरते नहीं ने हो, यानी कि चंगे काम करते ने, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर सपोर्ट करोगे इंशाल्लाह। आप बताए आपने किसको किया वोट? असी जी तरीके ले बैग नु कीता। तरीके ले बैग ताडे कोई यही सवाल? अगर तरीके इंसाफ चंगे काम करदी फिर ठीक है।
انہوں نے ووٹ دیا تحریک الف بیک پاکستان کو, کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے ایک تبدیلی کی ایک کرن لی ہے, ایک امید کی کرن لی ہے, جگائی ہے. اب دیکھیں اگر عمران خان صاحب کام کرتے ہیں تو یہ بھی کنورٹ ہو جائیں گے اگلے پانچ سال کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب.